और सरदार साहब के नाम पर बना ये अस्पताल अब यहां के हेल्थ सेक्टर को और ज्यादा मजबूती देगा। और सबसे अहम बात ये कि आयुष्मान भारत योजना से जुड़ने वाला ये एक और अस्पताल है। आम तौर पर होता यह है कि इतने आलीशान इतने भव्य अस्पताल में पैर रखने से भी गरीब घबराता है, वो मानता है कि इतनी चकाचौंध में इलाज तो बहुत महंगा ही होगा। लेकिन मुझे बहुत संतोष है कि सरदार साहब को समर्पित इस अस्पताल में आयुष्मान योजना के तहत गरीब का मुफ्त में इलाज होगा। बहनों, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ने बहुत ही कम समय में गरीब से गरीब के भीतर स्वास्थ्य के संबंध में सुरक्षा का एक भाव जगाया। आज देश के करीब 50 करोड़ गरीब भाई बहनों को ये विश्वास मिला है कि गंभीर बीमारी की स्थिति में सरकार उसके साथ खड़ी है, उसको अपना घर जमीन गिरवी रखने की जरूरत न है, पैसा न भी हो तो भी वो स्वस्थ हो सकता है। ये विश्वास आज हर गरीब को मिला है। साथियों, कुछ लोग इस योजना को मोदी केयर भी कहते हैं। इसकी सफलता का अंदाज इसी बात से लगाया जा सकता है कि सिर्फ 100 दिन के भीतर ही 7 लाख गरीबों का अस्पताल में मुफ्त इलाज सुनिश्चित हुआ। इस योजना के तहत अब हर दिन एवरेज औसतन 10,000 गरीबों को मुफ्त इलाज मिल रहा है। अभाव के कारण वर्षों वर्षों तक ये लोग ये परिवार इलाज नहीं करवा पा रहे थे। अगर मुसीबत आ भी गई तो वो कहता है कितने दिन जीना है, परेशानी झेल लेंगे, बच्चों को कर्ज के अंदर डुबो करके नहीं जाना है। और इसलिए परिवार के लोग पीड़ा सहते थे पर उपचार नहीं करवाते थे क्योंकि संभव नहीं था। आज इनको आयुष्मान भारत का सहारा मिला। सब देश के हर नागरिक का स्वास्थ्य बेहतर है इसके लिए सरकार दिन रात में काम में जुटी है। सरकार का निरंतर प्रयास है कि देश के गरीब को मध्यम वर्ग के परिवारों को कम से कम कीमत में उत्कृष्ट स्वास्थ्य सुविधाएं मिले। इसके लिए केंद्र सरकार ने जेनरिक दवाओं को भी प्राथमिकता दी। हमने प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोलने का एक अभियान चलाया। अभी तक देश भर में करीब 5,000 से ज्यादा केंद्र खोले जा चुके हैं। इन केंद्रों पर जेनरिक दवाएं मार्केट रेट से लगभग 50% सस्ती हैं। जो दवाई 1,000 रुपए में आती है वो 350 रुपए में मिल जाती है। इन केंद्रों से विशेष तौर पर उन परिवारों का लाभ हुआ है जिनको डायबिटीज जैसी बीमारियों के चलते नियमित रूप से दवाई लेनी पड़ती है। इतना ही नहीं, सरकार ने बीते 4.5 वर्षों में 850 से अधिक दवाओं और सर्जरी के सामान की अधिकतम कीमत निर्धारित की है, उससे ज्यादा नहीं ले सकते हैं। और उसका परिणाम यह आया है कि आज सर्जरी का सामान हो दवाइयां हो ये सस्ते में उपलब्ध संभव हुई है।
भाइयों और बहनों, हार्ट की बीमारी में काम आने वाले स्टेंट्स 85% तो घुटने की सर्जरी में काम आने वाले इम्प्लांट करीब 70% सस्ते हुए हैं। सिर्फ स्टेंट की कीमत कम किए जाने से भी गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों को साल भर में 4,500 करोड़ रुपए से अधिक की बचत हो रही। वहीं नीम प्लांट की कीमत कम होने से लोगों को सालाना लगभग 1,500 करोड़ रुपए की बचत हो रही। इसके अलावा किडनी की बीमारी से पीड़ित बहनों भाइयों के लिए देश के लगभग 450 जिलों में डायलिसिस सेंटर बनाए जा चुके हैं। इन सेंटर पर मुफ्त में डायलिसिस की सुविधा दी जा रही है। इससे पिछले वर्ष तक करीब 35 लाख मुफ्त डायलिसिस सेशन हो चुके हैं। इतना ही नहीं, हर सेशन से किसी न किसी गरीब के लगभग 2,000 रुपये बच भी रहे हैं। साथ ही बीजेपी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने देश के गांव गांव तक प्राइमरी हेल्थ केयर सुविधाओं को बेहतर बनाने का बीड़ा उठाया। आजादी के 75 साल होंगे, वर्ष 2022 तक देश भर में 1.5 लाख हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनाने का लक्ष्य लेकर आज भारत सरकार काम कर रही है। इस पर गुजरात सहित सभी राज्यों में तेजी से काम चल रहा है। यहां पर सामान्य बीमारियों की जांच तो होगी, अनेक प्रकार के टेस्ट भी मुफ्त में उपलब्ध होंगे। साथ ही बीते 4 वर्ष में स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ साथ मेडिकल एजुकेशन भी उसका भी अभूतपूर्व विस्तार किया गया है। इस दौरान 18,000 से अधिक MBBS और 13,000 से ज्यादा पोस्ट ग्रेजुएट सीटें बढ़ाई गई है। मध्यम वर्ग के बच्चे जो हेल्थ सेक्टर में करियर बनाना चाहते हैं उनके लिए बहुत बड़ा अवसर पैदा हुआ है। यहां गुजरात में भी 1,000 नई सीटें जोड़ी गई। देश के हर 3 संसदीय क्षेत्र में कम से कम एक मेडिकल कॉलेज खोलने की योजना पर काम चल रहा है। साथियों, स्वास्थ्य पर इतना जोर दिया जाने की वजह से निजी अस्पतालों के नेटवर्क का भी विस्तार हो रहा है। आयुष्मान भारत जैसी योजना के कारण छोटे छोटे कस्बों में भी जरूरत बढ़ रही है, लिहाजा नए अस्पताल भी तेजी से खुल रहे हैं। नए अस्पताल खुल रहे हैं तो डॉक्टरों, नर्सों और दूसरे पैरामेडिकल स्टाफ की भी मांग बढ़ रही है, यानी युवाओं के लिए रोजगार के अनेक अवसर हेल्थ सेक्टर में आने वाले समय में बनने वाले।